हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम डिस्कस करेंगे एक सिंपल सपोर्टेड बीम के बारे में, जिस पर एक पॉइंट लोड और दो पॉइंट लोड और एक यूडीएल दे रखा है। इससे पहले हमने कैंटिलीवर बीम के बारे में डिस्कस किया था कि क्या कैंटिलीवर बीम में हमारा शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनता है, उसमें हमारे यूडीएल के लिए और दूसरा हमारा पॉइंट लोड के लिए किस प्रकार से एजम्पशंस लिए जाते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सिंपल सपोर्टेड बीम के बारे में। तो देखिए, सिंपल सपोर्टेड बीम में आपके ये दो सपोर्ट दिए हुए हैं और इस पर आपका दो लोड दे रखे हैं, 4 किलो न्यूटन का एक, 2 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड दे रखा है और 3 मीटर की बीम पर हमारा यूडीएल दे रखा है, वो भी हमारा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का। तो सबसे पहले हम निकालते थे कि सबसे पहला पॉइंट जो हमारा रहता है वो हमारा पॉइंट रहता है रिएक्शंस के बारे में। तो हम रिएक्शंस को फाइंड आउट करते हैं। ये रिएक्शंस को फाइंड आउट करना, तो आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हमारी तीन होती हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड सिग्मा मूवमेंट इक्वल टू जीरो। तो जो एक्स डायरेक्शन के फोर्स होते हैं उनका अलजेब्रिक सम हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए। वाई डायरेक्शन के फोर्सेस, जैसे कि इसमें वाई डायरेक्शन के फोर्सेस लगे हुए हैं, इनका अलजेब्रिक सम हमारा जीरो होना चाहिए। और तीसरा, किसी एक पॉइंट पर हम मूवमेंट लेंगे, मूवमेंट हमको सपोर्टों पर लेना है, तो सपोर्ट हमारा ए पॉइंट पर है और दूसरा बी पॉइंट पर। इन पॉइंटों पे सपोर्ट ले सकते हैं और उन सपोर्टों का जो आपका मूवमेंट निकल के आएगा वो जीरो होना चाहिए सारे फोर्सेस का उस पॉइंट के प्रति। तो सबसे पहले रिएक्शन में देखिए, एक्स डायरेक्शन का आपका सिग्मा एफ एक्स होता है, उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारा कोई भी फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में नहीं लगा हुआ है। दूसरा हमारा एफ वाई है, तो एफ वाई के लिए देखेंगे कि हमारे दो फोर्सेस, एक तो हमारा ए यहाँ पे आर ए है और दूसरा एक हमारा आर बी है। तो आर ए आर बी दो फोर्सेस हमारे लगे हुए हैं, तो उनको ये अपवर्ड के लिए हैं और दूसरे हमारे डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, तो इनका एडिशन कर लेंगे। तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू में आपका कितना आएगा, देखिए 4 किलो न्यूटन ये के है और 2 किलो न्यूटन, 4 2 6 हो गया। और इसको हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि यूडीएल को आपका 2 किलो न्यूटन पर मीटर का दे रखा है 3 मीटर पे, तो इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2 × 6 जितनी डिस्टेंस है उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लगा, लेकिन ये लगेगा आधे पे 1.5 मीटर पे और यहाँ पर भी 1.5 मीटर पे, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट पर ही हम उसका मूवमेंट उसका फोर्स को मानते हैं कि हमारा जो पूरा यूडीएल है इसका सेंटर पॉइंट जहां पे होगा तो उसके इक्वल में ही होगा। तो अब देखिए कि अब जब ये 6 हो गया तो 2 × 3 हमने इसको कन्वर्ट किया ये इसी के अकॉर्डिंग, प्लस 2 ये वाला फोर्स और प्लस 4 ये वाला फोर्स, तो हमारा ये आर ए प्लस आर बी की जो वैल्यू निकल के है उस आई हमारी 12। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया क्योंकि अभी हमें आगे आर वी निकालने में काम आएगी। फिर हम मूवमेंट लेंगे ए पॉइंट पे, हमने ए पॉइंट पे मूवमेंट लिया तो ये वाला पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। अब इस पॉइंट के परता सारे फोर्सेस हैं उनका मूवमेंट लेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि आर वी दे रखा है और आर वी की डिस्टेंस हमारी कितनी है, 4 3 7, तो ये आपका 7 डिस्टेंस हो गई और आर वी आपका फोर्स हो गया। तो आर वी इंटू 7 माइनस आप देख रहे हैं कि ये 4, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड वाला हमने पॉजिटिव लिया था, डाउनवर्ड वाला नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव 4 इंटू डिस्टेंस कितनी है 5, तो 4 × 5 माइनस में। इसके बाद हमारा 2 आया, 2 भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो भी हम नेगेटिव लेंगे, तो 2 × इसकी डिस्टेंस ए पॉइंट तक की कितनी है 3, तो 2 × 3 माइनस का सेम। अब यूडीएल है पहले उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, तो 2 × 3 हमने लिखा और इसकी डिस्टेंस ए पॉइंट तक की। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपका मिड पॉइंट पे वर्क करता है, यहां पे वर्क कर रहा होगा, तो यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 3/2 होगी और यहां से यहां तक की भी कितनी होगी 3/2 होगी, क्योंकि ये जितनी लेंथ है उसके आधे पे वर्क करता है। तो अभी हमारा जो वैल्यू निकल के आई वो 7 आर वी इंटू, इनको हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वैल्यू हमारी आरवी की जो वैल्यू आई है वो आई है 5।
अब ये आरबी की वैल्यू इक्वेशन वन में हम पुट कर देंगे, इक्वेशन वन में पुट करेंगे तो यहां से ये वैल्यू आर ए की हम निकाल देंगे कि आर ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, सेवन, क्योंकि यहां से आर ए प्लस आर बी आपका बारह है, तो जहां पे आर बी वैल्यू है उसकी जगह पे हम पांच रख देंगे, तो आर ए सात किलो न्यूटन हमारा निकल के आया। अब वही बात करते हैं जो इससे पहले सारे न्यूमेरिकल पार्ट में हम करते आए हैं कि कैलकुलेट द शेयर फोर्स और कैलकुलेट बेंडिंग मूवमेंट। तो इन मूवमेंट और शेयर फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हमारा शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पर, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पर हमारा एक फोर्स वर्क कर रहा है, यानी कि रिएक्शन वर्क कर रही है आर बी अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हमने पॉजिटिव लेना है। तो वो हमारी कितनी है, जो आर बी की वैल्यू आई, आर बी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, फाइव। यहां से निकाले थे हम तो आर बी की वैल्यू, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी पर हमारा फाइव आया, फाइव किलो न्यूटन। उसके बाद में शेयर फोर्स जस्ट बिफोर डी की बात करेंगे तो जस्ट बिफोर डी पर भी हमारा कितना होगा, फाइव, क्योंकि जस्ट बिफोर की कंडीशन में ये फोर वाला पॉइंट जो आपका फोर्स है वो काउंट नहीं करते हैं, लेकिन डिस्टेंस उतनी ही काउंट करते हैं। तो यहां से यहां तक कोई भी फोर्स और नहीं लगा हुआ है, तो जितना फोर्स आर बी का है उतना ही यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, तो ये भी हमारा जस्ट बिफोर डी पर आप देख रहे हैं, तो ये हमारा कितना है, फाइव। फिर इसके बाद में आपका शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पर, शेयर फोर्स एट पॉइंट डी पर, तो एट पॉइंट डी पर आप देखेंगे तो एक फाइव वाला अपवर्ड डायरेक्शन में था, एक फोर वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये नेगेटिव में लिया जाएगा, तो फाइव माइनस फोर, यहाँ पे देखिए फाइव माइनस फोर हमारा कितना आया, प्लस का वन किलो न्यूटन। ये हमारा शेयर फोर्स वर्क कर रहा होगा एट पॉइंट डी पे, जस्ट बिफोर की कंडीशन दूसरी होती है और एट पॉइंट डी की कंडीशन दूसरी होती है। अब देखिए जस्ट बिफोर सी की बात करेंगे तो जस्ट बिफोर सी पे जितना फोर्सेस हमारा उतना ही था, वही रहेगा, क्योंकि यहां से यहां तक बीच में कोई भी फोर्स नहीं है। सी पॉइंट पे जस्ट बिफोर की बात कर रहे हैं तो हमें जितना सी पॉइंट पे फोर्स लगा है वो काउंट नहीं करना होता है, उससे पहले वाली बीम जो हमारी होती है पूरी काउंट होती है। तो हमारी यहां से यहां तक हमारी बीम है, तो जो वैल्यू जितनी आपकी डी पॉइंट पर आ रही थी वही हमारी जस्ट बिफोर सी पर आएगी, यानी कि वन किलो न्यूटन। इसके बाद में आप देखेंगे शेयर फोर्स एट पॉइंट सी पर, तो सी पॉइंट पर अभी आपने देखा कि हम यहां से यहां वैल्यू जो निकाल के लेके आए थे वो हमारी प्लस की वन थी, और सी पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि टू किलो न्यूटन का डाउनवर्ड लगा हुआ है, यानी कि नीचे नेगेटिव साइन में जाएगा, और नेगेटिव साइन में जाएगा तो प्लस वन माइनस टू हमारा माइनस वन, ये वैल्यू निकल के आएगी। देखिए वन माइनस टू और माइनस वन हमारी है वैल्यू निकल के आई है, तो माइनस में आई है। अब शेयर फोर्स जस्ट बिफोर ए, शेयर फोर्स जस्ट बिफोर ए यानी कि रिएक्शन जो आपका ए पॉइंट की वैल्यू आपकी सेवन आई थी किलो न्यूटन, इसको छोड़कर जितने भी फोर्सेस हैं उनको काउंट करना है। तो जो हम काउंट करेंगे तो अभी आपने देखा है कि हमारा माइनस का वन यहां तक आया था, और माइनस के वन के बाद में आपका टू इंटू थ्री ये सिक्स आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया था ये इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं तो टू इंटू थ्री हो जाएगा, क्योंकि ये यूडीएल है, तो यूडीएल को हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तभी तो उसका शेयर फोर्स निकालेंगे। तो ये आपका टू इंटू थ्री आएगा, तो टू इंटू थ्री और एक माइनस वन और माइनस का सिक्स आपके माइनस के सेवन हो जाएंगे। ये माइनस का सेवन आप देख रहे हैं, माइनस वन इंटू माइनस टू इंटू थ्री, तो ये माइनस का सेवन हो गया। और एट पॉइंट ए पे आप देखेंगे, एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो ए पॉइंट पर जो आपका फोर्सेस है आर ए उसको भी काउंट करना है। तो यहां तक हम माइनस का सेवन लेके आए थे और आर ए की वैल्यू आपकी प्लस की सेवन है, तो माइनस का सेवन और प्लस का सेवन आपका मिलके जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ है सभी को, जो हमारी जो वैल्यू निकल के आई है आपका शेयर फोर्स का कैलकुलेशन हमने और रिएक्शन हमने निकाल के पहले से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मूवमेंट। तो बेंडिंग मूवमेंट के लिए आपको फोर्स इंटू डिस्टेंस सही होता है, क्योंकि मूवमेंट आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो हमें फोर्स भी चाहिए और मूवमेंट भी चाहिए। इसमें सिर्फ आपको फोर्स चाहिए थे, यहाँ पे आपको सिर्फ शेयर फोर्स चाहिए थे, और इसमें बेंडिंग मूवमेंट है तो फोर्स के साथ में डिस्टेंस भी आपको काउंट करनी पड़ेगी। तो जो देखिए बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी पर, तो बी पॉइंट आपका बिल्कुल एंड पॉइंट पे है और वहां पे आपकी डिस्टेंस कितनी है, जीरो है। तो जितनी डिस्टेंस जीरो होगी तो फोर्स चाहे कितना भी लगा हो वो आपका मल्टीप्लिकेशन आपका जीरो आएगा। तो बेंडिंग मूवमेंट एट पॉइंट बी पर आपका कितना आया, जीरो।
इसके बाद में क्योंकि इसमें हम सेक्शन मानते हैं, अभी सेक्शन हमारा देखिए यहाँ पे चल रहा है, अब देखिए डी पॉइंट पे हम यहाँ पे सेक्शन मानेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट डी पे, तो डी पॉइंट पे आप मोमेंट लेंगे, तो डी पॉइंट के लिए आपका जितना भी फोर्स है, एक फोर्स अपर डायरेक्शन में वर्क कर रहा है फाइव, तो फाइव का वो प्लस डायरेक्शन में लिया जाएगा, ये साइन कन्वेंशन आपको बताए थे, इसके बारे में पिछला वीडियो जो है वो देख लीजिए। तो साइन कन्वेंशन में आपका फाइव इंटू जितनी डिस्टेंस है डी पॉइंट तक, इस फोर्स की डी पॉइंट तक, क्योंकि हम डी पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं, तो फाइव इंटू टू, तो फाइव इंटू टू लिया मैंने, माइनस का एक डाउनवर्ड फोर्स डी पॉइंट पर एक वर्क कर रहा है फोर किलो न्यूटन का, लेकिन उसकी डिस्टेंस कितनी है डी पॉइंट पे, जीरो है, तो उसके लिए फोर इंटू जीरो, तो ये फाइव इंटू टू हमारे टेन किलो न्यूटन का पॉजिटिव में, किलो न्यूटन मीटर का पॉजिटिव में बेंडिंग मूवमेंट निकल के आया। अब बेंडिंग मूवमेंट एट सी पॉइंट पर, बेंडिंग मूवमेंट सी पॉइंट पर कैलकुलेट करेंगे, तो सी पॉइंट पे अब हमारा ये वाला पॉइंट होगा, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हमारा, तो इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हमको चाहिए होगी, तो सबसे पहले फोर्सेस आपको देखने हैं कि आपके पास में अब कितने फोर्सेस हो गए, वन टू एंड थ्री, सी पॉइंट तक अभी तक कितने थे, वन और टू, लेकिन इसकी डिस्टेंस जीरो थी, अब इसकी डिस्टेंस जीरो होगी क्योंकि ये उसी पॉइंट पे लग रहा था, लेकिन हम शुरुआत इधर से करेंगे, फाइव इंटू फोर, तो फाइव इंटू फोर हमने लिया। इसके बाद में डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो हमने इसको नेगेटिव लिया, फोर इंटू डिस्टेंस हमें सी पॉइंट तक की चाहिए, तो यहां से यहां तक की टू है, तो फोर इंटू टू, और उसके बाद हमारा डाउनवर्ड एक फोर्स लगा हुआ है इसलिए हमने नेगेटिव लिया, कितना टू, लेकिन सी पॉइंट तक की डिस्टेंस इसकी कितनी है, जीरो, तो हमने इसको जीरो लिया, तो ये हमने कैलकुलेट किया, तो हमारा 12 किलो न्यूटन मीटर में हमारा बेंडिंग मोमेंट निकल के आया है सी पॉइंट पर। अब सी पॉइंट के बाद बेंडिंग मोमेंट जस्ट बिफोर ए पे निकालेंगे, तो जस्ट बिफोर ए की कंडीशन यहां तक की है, तो यहां तक का कैलकुलेशन करेंगे, शुरुआत आपका वहीं से होगा, फाइव इंटू यहां, अब ये वाला आपका पॉइंट है तो डिस्टेंस पूरी लेनी होगी, तो फाइव इंटू दो, दो चार तीन सात, फाइव इंटू सेवन, ये हमारा पॉजिटिव में आया। अब डाउनवर्ड वाले फोर्स आए, तो फोर इंटू थ्री टू फाइव, फोर इंटू फाइव निकल के आया माइनस में, माइनस का टू है आपका क्योंकि ये डाउनवर्ड होगा, तो माइनस का टू इंटू डिस्टेंस आपकी कितनी है थ्री, तो ये थ्री निकल के आया। उसके बाद में आपका यूडीएल फोर्सेस है, तो यूडीएल के लिए आपको देखना है कि पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो टू इंटू थ्री, तो टू इंटू थ्री आपकी वैल्यू जैसा हमने यहाँ पे किया था टू इंटू थ्री, और उसके बाद में ये आपको मालूम है कि मिड पॉइंट पे लग रहा है, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से काउंट की जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी तीन बाई दो हो जाएगी, क्योंकि तीन की आधे पे लग रहा है, तो थ्री बाई टू हमने ले लिया। ये कैलकुलेशन जो हम करेंगे पूरा हमारा वैल्यू निकल के आएगा जीरो, तो बेंडिंग मोमेंट ए पॉइंट पे हमारा कितना आया जीरो। अब इनका हमको डायग्राम बनाना है, तो डायग्राम आपका सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, शेयर फोर्स बी पॉइंट पर हमारा फाइव है, तो ये पॉजिटिव में है, तो पॉजिटिव में हमने ऊपर की ओर लिया। अब पॉइंट लोड और कोई भी फोर्स नहीं होता, तो स्ट्रेट चलते हैं, तो स्ट्रेट चले, फिर उसके बाद में जस्ट बिफोर डी पर हम देखेंगे वो भी फाइव है, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लेके आएंगे फाइव तक, तो ये वैल्यू हमारी फाइव हो गई। उसके बाद में हमारा जो वैल्यू आया कि एट पॉइंट डी पर हमारा वन आया प्लस का, तो हमने वो फोर्स लगने के कारण वो हमारा वन प्लस का आया। अब इसके बाद जस्ट बिफोर सी पर भी हमने देखा, तो हमारा प्लस का वन ही है, तो ये स्ट्रेट में हमारा सी पॉइंट तक वन की वैल्यू निकल के आएगी। इसको हम नाम भी दे सकते हैं कि ये हमारा सी है, ये डी है, ये बी है और ये ई है, ऐसे इनको भी ए, आपका ये बी पॉइंट है, इसके बाद में ये डी पॉइंट है और उसके बाद में ये सी पॉइंट है, ये पॉइंटों पे आपकी वैल्यू निकल के आएगी। अब देखिए कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है जो इन फोर्सेस की वजह से, तो माइनस की वन, तो जब शेयर फोर्स एट पॉइंट सी पे जो वैल्यू निकल के आएगी उस टू की वजह से हमारा प्लस वन और माइनस वन, ये हमारा माइनस वन की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट की थी, तो माइनस वन तो डाउनवर्ड में आ जाएंगे, तो हमारा माइनस वन किलो न्यूटन का ये वैल्यू निकल के आई। उससे आगे चलेंगे हमारा जस्ट बिफोर ए पे हमारा सेवन आया, तो सेवन को हम इंक्लाइंड चलेंगे क्योंकि हमारा यूडीएल लगा हुआ है, यूडीएल के लिए हम इंक्लाइंड चलते हैं, तो हमारा इंक्लाइंड सेवन तक ए पॉइंट पर आए,
और उसके बाद में एट पॉइंट ए पर वैल्यू जीरो है तो हमने इसको जीरो से मिला दिया, ये हमारा वैल्यू निकल के आया। अब देखिए हमारा कैलकुलेट बेंड मूवमेंट में जो वैल्यू आई है उसका डायग्राम बनाएंगे। तो जो हमारा बी पॉइंट पर जीरो है तो हमने इसको जीरो ले लिया, यहां से शुरू करेंगे। अब देखिए एक चीज और आपको बतानी है कि जो हमारा फ्री पॉइंट होगा जिस पर हमारा यूडीएल नहीं लगा होगा, पॉइंट लोड लगा होगा, वहां पे बेंडिंग मोमेंट इंक्लाइन में बनता है और यूडीएल होता है तो वो कर्व में बनता है, ये आपको बताया था। तो जीरो आया, उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट डी पॉइंट पर आप देखेंगे तो डी पॉइंट आपका ये है, तो यहां से जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी इंक्लाइन चलेंगे, तो जो वैल्यू हमारी 10 है तो यहां तक हमने देखिए कि इसको 10 किलो न्यूटन मीटर में शो करा के रखा है। इसके बाद में बेंडिंग मूवमेंट सी पॉइंट पर जो वैल्यू निकालेंगे तो बेंडिंग मूवमेंट सी पॉइंट पर हमारी 12 आई और यहां पर भी आपका पॉइंट लोड दे रखा तो इसको इंक्लाइन चलेंगे 12 तक, ठीक है। अब इसके बाद आप देखेंगे बेंडिंग मूवमेंट जस्ट बिफोर ए, तो बेंडिंग मूवमेंट जस्ट बिफोर ए पे आपका वैल्यू है जीरो, तो जस्ट बिफोर पर जीरो है तो हमने इसको देखना है कि पहले ये आपका बेंडिंग मूवमेंट है और यूडीएल की फॉर्म में है तो बेंडिंग मूवमेंट को यूडीएल में कर्व बनाते हैं, तो हमने इसको 12 से 0 कर्व में लेके आए और देखिए हमारा ये प्लस का हुआ और इधर वाला माइनस में और ये पूरा हमारा बेंडिंग मूवमेंट पॉजिटिव में बना। इसी की जो वैल्यू आती है कि जहां पे जीरो होता है वहीं पे मैक्सिमम होता है, तो आप देख रहे हैं कि जिस पॉइंट पर ये जीरो है उसी पॉइंट पर ये मैक्सिमम निकल के आया हमारा, जहां पे शेयर फोर्स जीरो आएगा वहीं पे बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, एग्जाम के रिलेटेड कंपटीशन के रिलेटेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, तब तक के लिए नमस्कार।